नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा। आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। राजनीति में कैसे हर पल पलटती है तस्वीर, ये साफ देखने को मिला कर्नाटक में, जहां येदुरप्पा केवल 2.5 दिन के कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनकर रह गए। जी हां, बीएस येदुरप्पा के लिए आज का दिन बेहद खास था, लेकिन पिछले 5 दिनों से चली लंबी कवायद और जोर आजमाइश के बाद बहुमत के लिए आंकड़े पूरा न होने की सूरत में येदुरप्पा ने फ्लोर टेस्ट का सामना करने की जगह परीक्षण से पहले ही कांग्रेस और जेडीएस पर जनभावना का अपमान करने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। हालांकि येदुरप्पा ने अपने लंबे भाषण में आगे की कई रणनीति का जिक्र किया और फिर अंत में राज्यपाल के पास जाकर इस्तीफे की पेशकश की। येदुरप्पा ने यह भी कहा कि 150 सीटों के साथ वापस आएंगे, लेकिन सवाल ये कि 15 दिन के तो आश्वासन में कामयाबी नजर आ रही थी, क्या 28 घंटे का वक्त कम पड़ गया? आज इसी सवाल पर अखाड़ा होगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले सबका परिचय आपसे कराना चाहेंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। अंशु अवस्थी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सीवी पांडे जी, पूर्व जज हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मानस श्रीवास्तव जी, एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। अजय अग्रवाल जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली से हमारे साथ ज्वाइन है। और LP मिश्रा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ थोड़ी ही देर में ज्वाइन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लक्ष्मीकांत पांडे जी, सवाल मेरा आपसे, 15 दिन में आश्वस्त थे, क्या हुआ 28 घंटे कम पड़ गए क्या तोड़फोड़ के लिए? मेरा इतना कहना है कि जो कुछ सर्वोच्च न्यायालय में और विधानसभा के भीतर हुआ, लोकतंत्र में आस्था रखने के कारण उस निर्णय का सम्मान करता हूं। ठीक, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं। अभी राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था आप ही के चैनल पर, और बड़ी आदर्श की बातें वो कर रहे थे। जिसकी सरकार, यूपीए की सरकार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हो, नंबर एक। जिनकी सरकारों के कार्यकाल में तपासे, ठाकुर रामलाल, सरदार बूटा सिंह जैसे राज्यपाल के फैसले अपनी आवाज को चीख चीख कर कह रहे हों, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, ये हार है या जीत है पहले तय कर लीजिए। अच्छा नहीं लग रहा था। और क्या 28 घंटे का वक्त कम पड़ गया? मेरा सवाल ये, क्योंकि 15 दिन में आज दावा ठोक रहे थे कि बहुमत साबित करेंगे, 28 घंटे में क्या हुआ? मैंने केवल इतना कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और सदन का निर्णय स्वीकार, और बाकी लोकतंत्र में कोई निर्णय तो हुआ ही नहीं, उससे पहले ही आपने फैसला कर लिया। सर, निर्णय का वक्त कहाँ था? शक्ति परीक्षण तो हुआ ही नहीं, हमारा पहले ही सौंप दिया। तो उदाहरण मौजूद है श्रद्धेय अटल जी का। अटल जी ने 13 दिन की सरकार के बाद सदन में बोल के ये कहा था कि अध्यक्ष जी, मंडी भी लगी हुई थी, माल भी बिकाऊ खड़ा हुआ था, खरीदार नहीं था, हमने खरीदना तय नहीं किया। मैं जा रहा हूं राष्ट्रपति को इस्तीफा देने। सामने आए मंत्री पद का लुभावना पद भी सामने था, करोड़ों की बात सामने आई। अंशु जी, मेरा सवाल ये कि कैसे ये मैजिक हुआ, करोड़ों का सौदा, ऑडियो टेप सामने, मंत्री पद का भी लालच, लेकिन बावजूद इसके इस बार कांग्रेस ने क्या मैजिक दिखाया कि टूट नहीं हो पाए, कैसे ये सब हुआ? नहीं, देखिए लक्ष्मी जी, निश्चित तौर से आज लोकतंत्र की जीत हुई है। मैं कर्नाटक के जो हमारे कांग्रेस के विधायक हैं, जेडीएस के विधायक हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा जताई रखी और विश्वास को बनाए रखा, कायम रखा। आज बीजेपी के धनतंत्र और मोदी जी के खड़यंत्र की हार हुई है। ये जिस तरीके से हत्या आरोपी श्री अमित शाह और श्री नरेंद्र मोदी जी की किस तरीके से जबरदस्ती गुंडागर्दी करके, किस तरीके से आज अटल जी का जो संबोधन बता रहे थे वाजपेयी जी, बहुत सम्मानित, मैं बहुत आदर करता हूं, बहुत वरिष्ठ हैं, किस तरीके से अटल जी की बात कर रहे थे और मोदी जी ने किस तरीके से कर्नाटक में कहा, किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो बयान था उससे कितना नीचे जाकर बात की, तो आज उन सब चीज़ों की हार हुई। कर्नाटक की जनता ने उन चीज़ों को पहले ही भांपा था। और जो वोट प्रतिशत की बात है, हमारा वोट प्रतिशत ज़्यादा था, हमको 6 लाख वोट बीजेपी से ज़्यादा मिला। तकनीकी रूप से हमारे MLA कम थे, इसमें मैं ये स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक तरफ आप देखिए कि राज्यपाल पे किस तरीके से दिखाया आपने। नहीं देखिए, ये निश्चित रूप से 117 विधायक हमारे साथ खड़े हैं, उसके बाद बीजेपी को 104 पे बुलाया जा रहा, शपथ दिलवाई जा रही, तो कहीं ना कहीं राज्यपाल महोदय ने अपनी गरिमा को तार तार किया। राज्यपाल जो राजभवन था वो बीजेपी का कार्यालय बन चुका था, और इसको न्यायालय ने इस बात को समझा, न्यायालय का धन्यवाद, उन्होंने लोकतंत्र को बचाने में आज अपनी फिर भूमिका स्पष्ट की। सीबी पांडे जी, इस पूरे मामले पर जुडिशियल रोल आपको कहां नजर आया और कैसा रहा? इस पूरे फैसले को देखें, क्या वाकई एक अहम भूमिका सुप्रीम कोर्ट की नजर आई?
इस सारे मामले में मैं समझता हूँ कि जो पहले से साफ था कि पूरा देश जानता था कि बहुमत इनके पास नहीं है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दो जो मेजर पार्टी थी दोनों की संख्या ही ज़्यादा हो जा रही थी और दोनों ने एक दूसरे से गठबंधन कर रखा था। कोई ऐसा थर्ड ग्रुप नहीं था जो कि इनको सपोर्ट करता था भारतीय जनता पार्टी, ये तो साफ था। ये जबरदस्ती हो रही थी और ये जबरदस्ती इस तरह हो रही थी कि किसी न किसी पार्टी को तोड़ना है, चाहे जेडीएस को तोड़ना था या कांग्रेस तोड़ना था, ये तो पार्टी तोड़ना था ना, उनके उनके मेले थे, उनमें से निकालने का मतलब उस पार्टी को तोड़ना था, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था। तो पार्टी को तोड़ने का जो तरीका डेमोक्रेसी में, मैं समझता हूँ पार्टी सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, इसमें आप पार्टी तोड़ के सरकार बनाएं तो ये तो निश्चित अनैतिक भी है और गैर कानूनी भी है, दोनों गैर कानूनी भी काम हो रहा था और अनैतिक भी काम हो रहा था कि किसी दूसरे पार्टी को हम तोड़ा, बाकी दूसरा ग्रुप रहता तो उसको आप मिलाते तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत ही मेजर रोल अदा किया इसमें, रात को सुनवाई किया, तो एक बहुत बड़ी बात है ऐसे मामले में, उन्होंने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी तैसी हो रही है तो रात को उन्होंने सुनवाई की। दूसरा आज सैटरडे है, सैटरडे भी छुट्टी रहती है सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने सुबह 10 बजे सुनवाई की। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका थी वो ये डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए, वो किसी पार्टी से इंटरेस्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट का कि ये भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, उनको ये लगा कि अगर मेजोरिटी जो हमारे सिस्टम है भारतीय डेमोक्रेसी, हाँ अपने इंडिया में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि जिसके पास ज्यादा संख्या है उसी की सरकार बनेगी, तो इसको उन्होंने एक तरह से प्रोटेक्ट किया, जो सेव किया और ये उसके लिए धन्यवाद। बिल्कुल माने जी, मेरा एक अहम सवाल है सर, 5 दिन से जो उथल पुथल पुथल कर्नाटक में चली, इसका पूरे देश की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा? जो आज तस्वीर निकलकर सामने आई वो कुछ और थी और 5 दिन से जो दावे किए जा रहे थे वो कुछ और थे। देखिए, येदुरप्पा का मैदान छोड़कर चले जाना और इस्तीफा दे देना, ये इस बात को साबित करता है कि उनके पास बहुमत नहीं था और कहीं ना कहीं तोड़फोड़ की कोशिश की जा रही थी। ये मैसेज पब्लिक के बीच में पूरी तरीके से क्लियर हो गया और ये एक तरीके से बहुत बड़ा नुकसान है, कह सकते हैं कि जो इमेज है बीजेपी की, जो साख थी जो पूरे देश भर में, उस पर धक्का लगा है। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है कि येदुरप्पा, ये वही येदुरप्पा है जिन्होंने साल 2011 में, ये देश के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, देश के पहले और अभी तक तो अकेले ही हैं जिन्होंने एक हफ्ते में 2 बार बहुमत साबित किया था। पहली बार ध्वनिमत से पारित हुआ था बहुमत, लेकिन उसको फिर उस वक्त जो तत्कालीन जो राज्यपाल थे हंसराज भारद्वाज जी, उन्होंने उसको नहीं माना था, तो फिर वोट करवाया गया, उसमें भी वो 100 के मुकाबले 106 मतों से उन्होंने जीत हासिल की। तो एक तरफ ऐसा मुख्यमंत्री जिसने 2 बार एक ही सप्ताह में अपना बहुमत साबित किया और वही मुख्यमंत्री सदन को फेस नहीं कर पाया और उसके बाद वो छोड़ के चले गए, इस्तीफा दे दिया उन्होंने, तो ये अपने आप इस बात को साबित करता है कि बहुमत दरअसल था ही नहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरवीन किया उसमें जिस तरीके से, और उनको लगा कि अब वो फजीयत हो जाएगी तो इसलिए वो बाहर आ गए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की साख को बहुत धक्का लगा है इसमें। बिल्कुल ब्रजेश पाठक जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से, ब्रजेश शुक्ला जी माफी चाहूंगी, जिस तरीके से इतना लंबा भाषण दिया उन्होंने, क्या येदुरप्पा कर्नाटक की जनता में अपनी जो राजनीतिक शहीदी की जो छवि साबित करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि 2007 में भी उन्होंने किया, अटल बिहारी वाजपेयी की हम बात करें 1996 में उन्होंने भी इस तरीके का भाषण दिया, क्या वो चीजें यहाँ देखने को मिली, क्या वो मैसेज पहुंचा जनता तक? देखिए लक्ष्मी जी, इसमें 2 तरह की रणनीति बीजेपी ने पहले ही बना दी थी। पहली ये थी कि जीत गए, 15 दिन का समय है, अब जीत गए तो फिर क्या है, फिर तो जीत ही गए, फिर सरकार भी आपकी चलेगी। लेकिन एक पार्टी का वर्ग ऐसा था जो कह रहा था कि क्योंकि गुजरात का उदाहरण ये देख चुके थे, गुजरात में भी कांग्रेस बाहर ले गई थी अपने विधायकों को और बचा ले करके उनको जितवा दिया था, उनके जो सोनिया जी के जो अहमद पटेल, तो दूसरा प्लान इनका ये था अटल योजना जो थी, ये बड़ी महत्वपूर्ण थी। इनको ये लग रहा था कि मेरे पास जीत गए तो बहुत बड़ी उपलब्धि, वरना खोने के लिए इतना है कि इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, और ये पहले से ही मान लिया था। मेरी एक बड़े बड़े नेता से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि बड़ा कठिन है बहुमत साबित करना, कारण क्या है कि दोनों दल मजबूत थे, दोनों दल अपने लोगों को अलग ले जा सकते थे, उनकी अन्य राज्यों में सरकारें भी थी। तो दूसरा ये था कि अटल की तरह वास्तव में ये जो लिंगायत वोट है उसके बीच भी यदि ये नग उसको लाते तो इनको लगता कि साहब वो मैदान में ही नहीं उतरे, आप ही ने उनको हटा लिया। तो ये 2 तरह की रणनीति इन्होंने पहले ही बनाई थी। अब आज का बीजेपी नेतृत्व तो पुराना अटल जी वाला नेतृत्व तो नहीं है, अब ये वो नेतृत्व तो है
यहाँ पर इस तरह की चीजें नहीं, नफा नुकसान देखते हैं, राजनीति नफा नुकसान। एलपी मिश्रा जी वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। एलपी जी, मेरा अहम सवाल ये कि जिस तरीके से 5 दिन के बाद जो तस्वीर आज देखने को मिली उसको आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए लक्ष्मी जी, ये आरोप और प्रत्यारोप का समय नहीं है, इसमें बहुत ही मंथन की आवश्यकता है। हर बार ये देखा जाता है कि जहाँ भी हंग असेंबली होती है या हंग पार्लियामेंट होती है तो ऐसी दशाएं आती हैं। मेरे विचार से इस समय विधिक और संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। मेरे विचार से ये सब जो नैतिकता की ह्रास हो रहा है, नैतिकता की कमी हो रही है, औपचारिकता को एक दरकिनारे कर दिया जा रहा है, तो इसके लिए आवश्यकता है 3-4 बातों की करने की। प्रथमतः तो मेरा ये मानना है कि पोस्ट अलायंस को कतई बंधित प्रतिबंधित होना चाहिए, प्री इलेक्शन अलायंस को मान्यता देनी चाहिए, लेकिन अगर विभिन्न विचारधाराओं से लड़कर के एक दूसरे को जो है वो अपशब्द कह करके लोग आए हैं लड़कर के, तो उनको आपस में पोस्ट इलेक्शन अलायंस नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद 164 में जिसमें ये प्राविधान है कि राज्यपाल किसी को भी बुला सकता है मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के लिए, तो उसमें संशोधन की आवश्यकता है। और अगर जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहां पार्टी लाइन पर राजनीतिक दलों के आधार पर इलेक्शन होता है, उसमें ये होना चाहिए कि जो है वो अगर आपका बहुमत नहीं है आपकी पार्टी का तो या तो रिप्रेजेंटेटिव पोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो, एक आधार के ऊपर संख्या के आधार पर एक प्रतिनिधित्व की सरकार बनने की व्यवस्था होनी चाहिए, या फिर पुनः इलेक्शन की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन उसमें खर्चे बहुत लगते हैं, देश पर जो है वो भार पड़ेगा, आर्थिक भार पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि चुनाव कम खर्चीला हो। दूसरी बात यह है कि जब हम राजनीतिक दलों के आधार पर लड़ते हैं तो तीसरी आवश्यकता इस बात की हो जाती है कि फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ने से प्रतिबंधित होना चाहिए, केवल राजनीतिक दल ही चुनाव में भागीदारी कर सकें, ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इतनी सारी पार्टियां हैं तो राष्ट्रीय स्तर की ज्यादा से ज्यादा तीन दल हो, राजनीतिक दल की मान्यता होनी चाहिए, और राज्य स्तर पर ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 की मान्यता होनी चाहिए, इससे ज्यादा अधिक राजनीतिक दलों की मान्यता नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ कदम उठा लिए जाते हैं तो मेरा ऐसा विचार है कि ये जो स्थितियां बराबर जो है लगभग 20 वर्षों से अधिक से चल रही है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव के बाद हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव के बाद हो, चाहे ये ऐसी स्थिति हो कि अब एक ही एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, बाकी सारे दलों को छोड़ करके वही मुख्यमंत्री बन जाता है, क्योंकि एक वोट से जो है वो पूरा जो है बहुमत है या नहीं है इस बात पर आधारित होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान रख करके आवश्यकता इस बात की है कि कहीं हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको बैठ करके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में और संविधान के अनुच्छेद 164 में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए। हाँ। जिससे अगर हम में नैतिकता नहीं है, अगर हम में औपचारिकता नहीं है, तो हम मजबूर हो जाए कि जो है वो हम अनैतिक कार्य करने पर कोई भी मान्यता किसी प्रकार की नहीं मिलेगी। सभी दल एक दूसरे पर प्रत्यारोप आरोप करते हैं, लेकिन उन आरोपों प्रत्यारोपों के बाद सब करते वही हैं। एलपी मिश्रा जी, ब्रजेश जी हमारे साथ हैं, ब्रजेश शुक्ला जी बहुत सीनियर हैं, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब जगदम्बिका पाल मुख्यमंत्री बनाए गए थे जी, तब एक सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जी कि सदन अपना नेता चुन ले, सदन इन स्थितियों में सदन अपना नेता चुन ले। इस व्यवस्था को क्यों नहीं लागू किया जा सकता कि सदन इन स्थितियों में सदन बैठक बुला के सदन अपना नेता चुने, तब राज्यपाल का इस तरह मनमानी रुक सकती है। ब्रजेश जी बिल्कुल सही आपने कहा है, लेकिन उससे भी जो है वो सदन पे पटल पे भी जो है मनमानी नहीं रुकेगी, क्योंकि सदन के पटल के बाहर क्या हुआ है इसकी हमको आपको जानकारी भी नहीं होगी। मिश्रा जी, क्या सुप्रीम सदन के पटल के पीछे, मिश्रा जी क्या सुप्रीम कोर्ट जो आपने अभी 2-3 सुझाव, देखिए फ्लोर टेस्ट तो एक, मिश्रा जी मैं कहता कि जो आपने सुझाव दिए 3-4 सुझाव बहुत अच्छे सुझाव थे, तो क्या कोई ऐसी स्थिति बन सकती है कि चूंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही, तो क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देने की पावर रखता है सदन को कि वो इस तरीके के अमेंडमेंट्स करे?
देखिए सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये उचित समझती है कि किसी विधि की व्यवस्था होनी चाहिए, तो उस विधि की व्यवस्था को बनाने के लिए अपवाद स्वरूप जो है वो निर्देश दे सकती है, और तब तक निर्देशों का पालन होने तक कोई उसकी व्यवस्था भी कर सकती है। ऐसी हमारी जो है वो जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें ऐसा अधिकार जो है वो जो संवैधानिक न्यायालय हैं जैसे हाई कोर्ट्स या जो है सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। ठीक है सर, लेकिन अब वो स्तर तक जाना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहेंगे क्योंकि लेकिन सदन उनकी बात आदेश माने, अपने सदन स्वतंत्र है, वो अपने बनाए नियमों से चलता है, इस तरह गलत परंपरा डाली जा रही है। आप सही कहते हैं, सदन स्वतंत्र है, सदन देखिए ब्रजेश जी ऐसा है कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है कि न्याय हित में वो कुछ भी कर सकती है। अब जब ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं तो कल मान लीजिए ये आरोप लगता कि 15 दिन में जो है वो जो जिस पार्टी को न्योता दिया गया, जिसने सरकार बनाई, उसने हॉर्स ट्रेडिंग कर ली है, तो इस सब का फिर जो है दूर करने के लिए यही हो सकता है कि अगर आपका बहुमत है तो फ्लोर टेस्ट जल्दी से जल्दी कर लीजिए। ठीक है सर, अब ये सब समस्याएं पैदा होती हैं जब हमें हमारे राजनीतिक नेताओं सर एक लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से मेरा सवाल, हमारे जब राजनीतिक नेताओं में जी आप कंप्लीट कर लीजिए, जब राजनीतिक नेताओं में हमारे नैतिकता नहीं होगी, जब हमें नैतिकता नहीं होगी, नागरिकों में नैतिकता नहीं होगी, उसका ह्रास होगा, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय को या उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। डेमोक्रेटिक प्रजा में जहां सेपरेशन ऑफ पावर है वहां बहुत अच्छी स्थिति ऐसी नहीं होती है, ऐसा बहुत अच्छी स्थिति नहीं है ये कि न्यायालयों को जो है हस्तक्षेप करना पड़े हर मामले को लेकर। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो निर्देश दिए और दूसरा येदियुरप्पा का सदन का सामना किए बगैर इस्तीफा दे के चले जाना, ये दोनों परिस्थितियां क्या भारतीय जनता पार्टी की जो अब तक की 4 साल की इमेज उस पर बहुत बड़ा धक्का लगा है? राजनीति में हमने ही परंपरा स्थापित की थी अटल जी के इस्तीफे वाली, कि कांग्रेस पार्टी ने कभी स्थापित नहीं, कांग्रेस ने तो राज्यपाल के पद का दुरुपयोग किया है। बात एलपी मिश्रा जी पूछ रहे थे, मैं उस पर एक लाइन कहना चाहता हूं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। वाजपेयी जी आप बहुत वरिष्ठ हैं, इस जमाने में भी आ जाइए। कहना है ये मोदी और अमित शाह की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में भी बात कर लीजिए, अब वो बीजेपी कहां रही? नहीं मुझे बात जिसकी नहीं, मुझे जहां के बारे में बात करनी है, जब जब विधायिका अपने अस्तित्व को खोएगी तब तब न्यायपालिका के हस्तक्षेप की संभावना बढ़ेगी, जो लोकतंत्र के लिए घातक है, नंबर एक। नंबर दो, जब जब विधायिका शक्तिहीन होगी तब तक कार्यपालिका हावी होगी, वो आम जनता के हितों के प्रति लोकतंत्र में अनुचित है, हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सर ध्यान कहाँ रखा आपने सर, वाजपेयी जी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ध्यान कहां रखा आपने, इन तमाम मूल्यों का, लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान कहां रखा आपने? चैनल पर मेरा ये कहना है, मैं तो एक इकाई हूं, ध्यान किसी ने नहीं रखा लोकतंत्र में, जीडी तपासे का, ठाकुर रामलाल का, और आज जो येदियुरप्पा जी फोन करके कांग्रेस की 100 करोड़ दे रहे थे उसको क्या कहेंगे सर? अंशु अवस्थी कुछ कहना चाह रहे हैं लक्ष्मीकांत सर, सर एक अनुरोध है, वर्तमान में मोदी जी और अमित शाह की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अटल बिहारी वाजपेयी जी और आप कितना प्रासंगिक हैं, आप किन बात विचारों की बात कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी अब नहीं है, अब वो सिर्फ एक कंपनी है जो उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। येदियुरप्पा जी फोन कर करके 100 करोड़ दे रहे थे, मंत्री का ऑफर दे रहे थे, उस पर क्या कहेंगे? मेरी बात सुनिए, पार्टी भी डिफरेंट कहां कर दीजिए, ऐसी बात कहने की जरूरत नहीं है जो चीज साबित नहीं है। कई सारी ऑडियो बाहर आ रही है सर, कई सारी ऑडियो मीडिया में चल रही है, कहना चाहिए लक्ष्मीकांत जी, कई सारी ऑडियो मीडिया में चल रही है। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी ने इस देश में भाजपा को राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी विश्व की सर्व बड़ी पार्टी बनाया है, कार्यकर्ताओं की उनमें आस्था है, और मैं भी भाजपा के कार्यकर्ता हूं,
कार्यकर्ता के नाते उनमें आस्था है, मेरी भाजपा में मेरी आस्था है। सर आज थोड़ी आवाज भी आपको बदलाव आया है। सवाल ये कि क्या जो दो गठों का दो पार्टियों का गठबंधन कोई बदलाव नहीं है। एक सेकंड लक्ष्मीकांत जी सवाल लीजिए, जेडीएस और कांग्रेस ने जिस तरीके से बड़ी मात दी है आपको कर्नाटक में, क्या 2019 के लिए आपको लगता है कि नई रणनीति की आवश्यकता पड़ेगी अगर पूरा विपक्ष एक होता है तो? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा राजनीति में 2019 के चुनाव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो बात मैं ये कह दूं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये एसआर मुंबई केस में कहा है कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, वहां ये बात भी मानी है। वो कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2019 में, हालांकि कांग्रेस की एक सजीवन है, चुनाव पूर्व गठबंधन सरकार आपकी नहीं, आपके 38 वाली पार्टी को दिया है, विचार करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात ये है लक्ष्मी जी की, जो पिछले 5 दिन से जो ड्रामा हो रहा था कर्नाटक में और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लूटने का प्रयास कर रही थी लोकतंत्र को, कैसे लिए सारे? नहीं, ये 100 आप ये देखिए, एक तरफ सारा मीडिया, मैं मीडिया प्रतिनिधि चैनलों को भी धन्यवाद देता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप देखिए कि इसमें बड़ी भूमिका निभाई। एक तरफ 116 विधायकों की लिस्ट है, नेम्ड है, सिग्नेचर है, और एक तरफ क्या है, कुछ नहीं है, और उनको शपथ दिलाई जा रही है। लोकतंत्र की सरासर हत्या करने का प्रयास था और निश्चित रूप से आज लोकतंत्र जीता है। और आपको मैं फिर बता दूं कि कर्नाटक की जनता ने भी बीजेपी को नकार दिया है। बीजेपी को अगर मोदी जी की 4 साल की अगर मोदी जी की 4 साल की नीतियों से प्रभावित होते तो वहां पर फुल मैंडेट देते बीजेपी को। बीटी बताया करते थे जिसके विरोध में आप लड़े, जिसके विरोध में आपने इतनी सीटें की, आज आप उसी के दरवाजे पर पहुंच गए। हमारी अगर आइडियोलॉजी अगर जेडीएस से मिलती है, अगर समान विचारधारा के लोग बाद में भी अलायंस में आते हैं, इसकी बुराई क्या है? कम से कम हम कम्युनिस्टों को गाली देने वालों के साथ तो नहीं जाते? यही भारतीय जनता पार्टी कम्युनिस्टों को गाली देती है और बंगाल में साथ में चुनाव लड़ती है। अभी चुनाव लड़ा इन्होंने जिला परिषद का, ये पीडीपी के साथ इनका कौन सा होली अलायंस? आज आप देखिए जेडीयू हमारे साथ बिहार में लड़ा था, ये वहां पे डकैती डाली है, कौन सा ये पवित्र अलायंस है? तो गठबंधन के बारे में तो शर्म बीजेपी को आनी चाहिए। लक्ष्मीकांत जी, कांग्रेस हमको पर उपदेश कुशल बहुतेरे नहीं, कांग्रेस का दामन साफ नहीं है जो हमको उपदेश दे रही है। सर मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ, खराब है, मैं कोई भ्रष्टाचार हो चाहे लोकतंत्र के हत्यारे में हो, बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ। हमारी जो विचारधारा है हम उस पर स्टैंड करते हैं, हम उद्योगपतियों के साथ नहीं खड़े, हम किसानों के साथ खड़े हैं। हमने किसानों का 72,000 करोड़ रुपए माफ किया है मोदी जी में, हिम्मत ठाकुर रामलाल के समय क्या मोदी जी की हिम्मत है कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे? विचारधारा कहाँ चली गई थी? अवस्थी जी बताइए, जब जीडी तपासे राज्यपाल थे, जब बूटा सिंह राज्यपाल थे, जब ठाकुर रामपाल राज्यपाल थे, तब आपकी ये विचारधारा सिद्धांत कहाँ चला गया था? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए क्या 116 विधायकों के दल को बुलाना चाहिए, 104 के दल को? अंशु जी एक मिनट, क्या लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो कांग्रेस के जमाने का जो पुराना इतिहास है क्या आप उसको फॉलो करेंगे? आप भी वही करेंगे जो कांग्रेस ने किया? नहीं, मैं इनकी बात तो कांग्रेस के लायक करने के इनमें विस्तर कहां है, विचार कहां है इनके? हम उनको कह रहा हूं, मैं और किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं अवस्थी जी को निवेदन कर रहा हूं। ठीक है, एलपी मिश्रा जी आपसे एक सवाल मिला था, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये आरोप लग रहा है कि संघ जो है वो लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रदूषित कर रही है, राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अनुभव क्या कहता है? चूंकि आप कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर हैं, आपका अनुभव बहुत ज्यादा है, तो मैं समझना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो जो इंस्टीट्यूशन उनको प्रभावित कर रहा है? मैं राजनीतिक दलों की विचारधारा से ऊपर उठकर कुछ बात करना चाहता हूं। जी कहिए बिल्कुल। कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का सबसे पहले जो है वो अगर किसी ने जो है वो उनका दुरुपयोग किया है या उनकी गरिमा को घटाई है तो वो कांग्रेस ने की है, चाहे 1975 की जो है इमरजेंसी की घटना हो, चाहे उसके बाद की तमाम की घटनाएं हों। लेकिन ये कांग्रेस ने ऐसा किया है तो भारतीय जनता पार्टी या दूसरी राजनीतिक दल भी ऐसा करें, इसमें इसका कोई औचित्य नहीं बनता है, ना इसमें कोई उसको जो है वो सिद्ध करने के लिए या उसको जो है जस्टिफाई करने के लिए। मिश्रा साहब आप ये भी बता दीजिए कि आप कैसरगंज से बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं, ये भी तो बता दीजिए,
आप ये क्यों नहीं बता रहे साथ साथ लोग भी अंशु जी बाकी हाँ मैं कैसरगंज से मैं कैसरगंज से बीजेपी से चुनाव बस बात खत्म हो गई यहीं पर बीजेपी की मान्यताओं में बीजेपी की आइडियोलॉजी में ठीक है सर आऊंगे बीजेपी की आइडियोलॉजी में मैं विश्वास करता हूँ लेकिन इसके साथ साथ मैं औपचारिकताओं के हनन की राजनीतिक मामले में सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका का एक अहम हस्तक्षेप हो गया है क्या अब ये चलन बन गया है राजनीति में और जो इस बार हमने देखा ये कितने दूरगामी परिणाम इसके देखने को मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो काम है ना वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है जो हमारा भारत का संविधान है उसमें किसी और की आस्था हो या ना हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो ये दायित्व है कि संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हर हालत में लागू करना है अगर उस संवैधानिक व्यवस्था को कहीं भी अगर गड़बड़ी हो रही है तो पहला हालत सुप्रीम कोर्ट को जो भी कदम उठाना पड़े ठीक है लेकिन जो जैसा बिल मिश्रा जी कह रहे थे जो हाँ। तमाम सुधार बात ये तो सुधार हाँ। की बातें बहस चलती रहेंगी आप कोई भी व्यवस्था लाएंगे अगर बेईमानी करने वाले लोग हैं अनैतिक लोग हैं भ्रष्ट लोग हैं तो उसको तोड़फोड़ करेंगे ही करेंगे ये व्यवस्था जो है कोई ऐसी व्यवस्था नई नहीं है यही व्यवस्था इंग्लैंड में 400 सालों से चल रही है क्योंकि वहां तो अल्पमत में आए लोग तुरंत जात के इस्तीफा देते हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद तुरंत मायावती का बयान क्या मान लिया जाए कि संपूर्ण विपक्ष अब बीजेपी पर इस मुद्दे को लेकर के हमलावर होने जा रहा है अगर होता है तो क्या फायदा और क्या नुकसान होगा ये एक बड़ा मुद्दा है ये कर्नाटक का मुद्दा बड़ा मुद्दा है इसको विपक्ष अपने ढंग से भुनाने का प्रयास करेगा और करना भी चाहिए कारण क्या है कि जिस ढंग से वहां पर सरकार बिना बहुमत के साबित किए जिस ढंग से चले गए और तो ये एक वो है लेकिन जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है पूरा विपक्ष की एकता की बात है ये दिसंबर के बाद समझ में आएगा कारण क्या है कि जब जमीनी धरातल पे ये विपक्ष उतरेगा तब समझ में आएगा कारण क्या तब उसमें लेन देन शुरू होता है तब जमीनी चीज शुरू होती है और जहाँ तक ये अवस्थी जी को भी देखना होगा कि किस बात कांग्रेस किस बात का जश्न है क्या सत्ता गंवाने का जश्न है बिल्कुल सर भाई वास्तव में एक अजीब स्थिति है उससे निपटना पड़ेगा विपक्ष को तब एक होगी उससे निपटना आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए तमाम बातचीत के लिए सवाल कई बड़े रह गए थे लेकिन सवाल ये कि समय भी समाप्त हो गया था और जिस तरीके से 5 दिन का ये पूरा ड्रामा देखने को मिला उसके बाद जो आज तस्वीर निकलकर सामने आई उसने बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया है कांग्रेस को एक बड़ी संजीवनी अखाड़ा में आज के लिए इतना ही नमस्कार।